निकाय चुनाव पर एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनको यह बताना है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वह लोग अपना वोट तब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका ट्रेनिंग चल रहा है और पोस्टल बैलेट का कार्य चल रहा है। इसलिए प्रत्याशियों से अपील है कि वो स्वयं आकर के देख लें या अपने प्रतिनिधि को देखने के लिए भेज दें। उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट की सूचना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में ईवीएम से मतदान होगा इसलिए ईवीएम सेटिंग का कार्य गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में किया जा रहा है और नगर निगम के मेयर प्रत्याशी ईवीएम की सेटिंग आकर के देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। आप सबको यह सूचित करना है, विशेष तौर पे नगर निगम नगर निकायों में जो उम्मीदवार हैं जो प्रत्याशी हैं उनको यह सूचित करना है कि हमारे जो कर्मचारी हैं जो अभी मतदान के समय कहीं ना कहीं नियुक्त होंगे वे लोग अपना वोट तब नहीं दे पाएंगे, तो उनका पोस्टल बैलेट का कार्य होता है जो द्वितीय ट्रेनिंग के समय, अभी जो सेकंड ट्रेनिंग है वो एमपी इंटर कॉलेज के बगल जो विश्वविद्यालय का एक संकाय है बीए एलएलबी का बीए का संकाय, वहाँ पर द्वितीय चरण की ट्रेनिंग चल रही है, पोस्टल बैलेट का कार्य वहाँ पर चल रहा है। तो मेरा प्रत्याशियों से अनुरोध है कि वे स्वयं आकर के भी देख सकते हैं या किसी अपने अधिकृत व्यक्ति को एजेंट के रूप में वहाँ पर बैठा सकते हैं। आज जितना पोस्टल बैलेट पड़ गया है उसकी सूचना अभी हम लोग प्रेस को रिलीज़ कर देंगे। दूसरा, आप सबको यह सूचित करना है कि जो आगामी मतदान की प्रक्रिया है उसके लिए नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम से मतदान होगा, तो ईवीएम सेटिंग का काम या ईवीएम कमीशनिंग का कार्य विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय और बैडमिंटन हॉल में किया जाएगा। तो जो नगर निगम के मेयर साहब के लिए या माननीय सभासदगण के लिए माननीय मेयर साहब के लिए जो प्रत्याशी लोग हैं वो स्वयं या उनके अधिकृत व्यक्ति वहां आकर के देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन की सेटिंग किस प्रकार से की जा रही है। यह पूरा पारदर्शी कार्य है और इस पारदर्शिता में आप अपना सहभागिता कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं।